आज एसपी वाईएस रमेश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि शहर में लगातार माइक्रो फाइनेंस की कर्मियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में 28 मई को भारत फाइनेंस कंपनी के मैनेजर मोहम्मद शाहरुख खान जो फाइनेंस कंपनी का पैसा लेकर बोहा जा रहे थे, बोहा बैयार के खरियानी पुल के पास चार अज्ञात अपराधियों द्वारा उनकी गाड़ी को रोक कर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। डिक्की में मौजूद 31,361 रुपये समेत सैमसंग टैब, वीवो का मोबाइल और जरूरी कागजात लूट लिए गए थे। दुमका निवासी शाहरुख ने थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पतरगमा थाना द्वारा अनुसंधान जारी था। अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व वाली टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पहले एक संदिग्ध संजय केबट, पिता जलेश्वर केबट, नगर थाना अंतर्गत मजडिया निवासी की गिरफ्तारी की। इसमें पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूला और उसने तीन लोगों की संलिप्तता बताई। इसके बाद बारी बारी से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें इम्तियाज अंसारी पिता अनुल हक अंसारी ग्राम पचरुखी गुड्डा, सदाम अंसारी पिता अजनुद्दीन अंसारी ग्राम बासबीटा पतरगामा, मोहम्मद इकबाल अंसारी पिता सुदीन अंसारी बासबीटा पतरगामा शामिल हैं। अभियुक्त के निशानदेही पर कांड में प्रयोग किए गए बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल, वीवो मोबाइल और 8,000 रुपए नगद की बरामदगी हुई है। इस पूरे कांड की गुत्थी सुलझाने और इनकी गिरफ्तारी में एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें शामिल इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, थाना प्रभारी बलिराम रावत, एसआई सूरज कुमार, एसआई चंद्रशेखर सिंह और थाना के सशस्त्र बल ने अपनी भूमिका निभाई है। आज गुड्डा पुलिस को मिलने वाली ये बड़ी सफलता है। हाँ, ये दिनांक 28/5/2021 को एक लूट की घटना हुआ था पतरगामा थाना अंतर्गत बोहा के पास। उसमें जो है, अमूमन आप सुनते रहेंगे कि सुन रहे होंगे कि भारत फाइनेंस का जो कलेक्शन करते हैं उनको टारगेट बनाकर लूटा जाता है। तो ये भी जो है भारत फाइनेंस कंपनी का जो है, जो गांव वालों से जो पैसा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद जो वापस उनके हेड ऑफिस में जाकर डिपॉजिट करते हैं, उसी क्रम में जो है लूट की घटना बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस क्रम में जो है हम लोगों ने एक स्पेशल टीम बनाया था और ये घटना जो हुआ था तुरंत जो है एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने स्पेशल टीम गठित किया था और उसमें आज हम चार अभियुक्त को जो है हम लोग गिरफ्तार किए हैं और एक अभियुक्त अभी हमारे गिरफ्त में बाहर है। इन सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि जो 28/5/2021 को जो लूटा गया था, करीब 32,000 का पैसा लूटा गया था, उसमें ये लोग शामिल थे और आज हम 8,000 रुपये उनके यहाँ से बरामद किए हैं, मोबाइल जो लूटा गया था वो, और दो गाड़ी जो क्राइम करने में, इंसिडेंट करने में जो यूज़ किया गया था वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। और हम लोग और सभी भारत फाइनेंस कंपनी और जो भी फाइनेंस कंपनी के, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोग हैं, उनसे भी हम लोग अनुरोध किए हैं कि जो भी कैश जो है जो गांव से कलेक्ट होते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया था, यहाँ नहीं बल्कि दूसरे जिले में भी हम लोगों ने अनुरोध किया था। बट ये ऑनलाइन होने से जो है फिजिकल कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो हम लोग उस बिंदु पर भी चर्चा कर रहे हैं ताकि ऐसा घटना जो है ना हो। ये पकड़े गए चारों जो है मुफस्सिल थाने के हैं, कुछ पतरगामा के हैं, दो पतरगामा के हैं और दो मुफस्सिल थाने के हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है। तीन लोग इसमें जो है ऑलरेडी जेल जा चुके हैं।